विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और टेक्निकल संस्थानों में पढ़ने जाने वाले जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके शिक्षा ऋण की जो स्थिति है आज झारखंड में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है। लगातार जो हमारे STSC छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए आगे अपनी पढ़ाई करने के लिए बैंक लोन अप्लाई किया था, उन्हें कहीं ना कहीं बैंक्स के द्वारा वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो समर्थन नहीं मिल रहा है जिससे वो लोन ले सकें। अगर कुल 5,500 स्टूडेंट लोन्स हैं पूरे झारखंड राज्य में विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से, तो उसमें 700 से कुछ ज़्यादा संख्या है जो हमारे STSC छात्र छात्राओं की है। तो लोन अकाउंट्स जो हैं उनकी संख्या भी कम है और जो बैंक लोन्स निर्गत कर रहे हैं उनकी संख्या भी जो आवेदन है उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में बहुत कम है। ये तस्वीर बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जब लॉकडाउन के कारण लोग वैसे भी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, ऐसी परिस्थिति में विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर 1800 से ज़्यादा आवेदनों का लंबित रहना कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता की ओर इशारा करता है। और जो राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी बनी थी जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने खुद आश्वस्त किया था कि वो इस मामले को देखेंगे कि छात्र जो ऋण लेना चाहते हैं विशेष तौर पर जो STSC छात्र हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो, जबकि सच्चाई ये है कि अभी जो छात्र छात्राएं ऋण लेना चाहते हैं उनके लिए किसी भी तरह का जो एक सकारात्मक रवैया है बैंक्स के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए अविलंब इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें इंटरवीन करके जो राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी है उसके साथ कैसे जो हमारे राज्य में बैंक्स हैं उनका समन्वय बेहतर स्थापित हो, इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जो हमारे STSC छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहती हैं, अच्छे शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं या यहाँ झारखंड के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हैं उनको सुविधा हो।